हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो। सो क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इन पार्ट 1 वी डिस्कस अबाउट क्रॉप एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स। नाउ इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस एग्रीकल्चर। ओके, तो देखो हमने जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन किया था, ठीक है, जो भी मान लो बोल सकते हैं जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, अब फूड हमें क्या करना है, पूरे मान लो इस पॉपुलेशन को पहुंचाना है, ठीक है। जैसे आप हम एग्जांपल लेते हैं अपने कंट्री का, इंडिया का, यू नो इंडिया पॉपुलेशन इज अराउंड 140 करोड़। सो इतने लार्ज पॉपुलेशन में हमें फूड सभी तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। तो इतने मान लो पूरे लार्ज पॉपुलेशन में अगर हमें फूड को अच्छी तरह से पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं एक बार प्रोडक्शन कर दिया, दो चार साल नहीं करे तो नहीं चलेगा ऐसा। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी फॉर दैट। सो देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर का बोर्न कैसे हुआ, ठीक है, फिर एग्रीकल्चर देखेंगे क्या होता है, फिर आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस देखेंगे। सो टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमेडिक, दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। देखो 10,000 BC तक पीपल्स क्या थे, नोमेडिक थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे भटकते रहते थे, किसके, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर में। सो अब यहाँ पे उनको क्या होता था कि उनको भूख लगती थी, सभी को लगेगी, देन दे ईट एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल्स होते थे लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को खाते थे। बट कभी ऐसा होता था तो कि जब वो रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ना मिले तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हंटिंग एनिमल फॉर फूड, खाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भी एनिमल्स थे उनको मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या किए, वो लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, लैंड को कल्टिवेट करना शुरू किया, फिर उसमें उन्होंने प्रोडक्शन किया राइस का, वीट का, धीरे धीरे और भी फूड होते हैं उन फूडों को उन्होंने प्रोडक्शन किया, फूड क्रॉप जो होते थे। इस तरह से हम बोल सकते हैं इस एग्रीकल्चर, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। सो इस तरह से एग्रीकल्चर का जन्म होता है। देखते हैं एग्रीकल्चर होता क्या है। सो इट इज़ द प्रोसेस दैट द ग्रोइंग ऑफ प्लांट और क्रॉप्स इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखो जो भी प्रोसेस होती है, मान लो प्लांट या क्रॉप को फील्ड में सो करने का, ग्रो करने का, आप बोल सकते हो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लांट्स या क्रॉप को ग्रो करने का जो प्रोसेस रहता है, किसके लिए, ऑब्टेनिंग, फॉर ऑब्टेनिंग द फूड, हमें फूड चाहिए, फूड के लिए हम जो भी क्रॉप्स का या प्लांट्स का ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है, अब देखो वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप एंड आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो अलग अलग जो भी मान लो टास्क परफॉर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि तुरंत ही अपने आप क्या होता है क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता है, उसके लिए अलग अलग हमें यहाँ पे क्या होता है टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। देखेंगे आगे कौन कौन से टास्क होते हैं जिससे हमें गुड क्रॉप्स मीन्स अच्छा क्रॉप हमारा प्रोडक्शन हो, उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो एक यहाँ पे कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन दिए गए हैं। सो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो जो भी मान लो अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं क्रॉप्स का, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जो फार्मर्स करते हैं, वो भी टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि मतलब कभी भी जब मने कर दे, नहीं, टाइम टू टाइम करना पड़ता है उसको, तभी गुड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज योर फर्स्ट, मान लो क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना था, क्या करना होता है उसका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग, आफ्टर दैट एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, देन एरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, एंड लास्ट वन इज योर 7 नंबर स्टोरेज। हम देखेंगे इसको 1 by 1 डिटेल में, वी विल सी इन डिटेल्स। सो उसके पहले एक हम ये टर्म देख लेते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं।
देखो द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रिक्वायर सर्टेन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स विच आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। देखो जब भी आप क्या कर रहे हो यहाँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने जा रहे हो, दैट मीन्स आप कोई क्रॉप का प्रोडक्शन करने जा रहे हो, तो ऐसे ही तो होगा नहीं, कुछ उसके लिए टूल्स जो रिक्वायरमेंट होते हैं या फिर आप बोल सकते हो जो इम्प्लीमेंट लगते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सो फर्स्ट नंबर हमारा था कोई भी क्रॉप का है बेसिक प्रैक्टिसेस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। आज हम पूरा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोइंग के बारे में, ठीक है। तो आज का सिर्फ हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमें यहाँ पे पढ़ने से पहले पता होना चाहिए सॉइल क्या होता है, ठीक है। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो भी मान लो अर्थ का जो अपर लेयर होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं। सो द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल। जो भी क्रॉप्स के प्लांट्स होते हैं दे आर ग्रोन इन सॉइल, एंड सॉइल दैट सॉइल प्रोवाइड मिनरल्स वाटर एयर ह्यूमस एंड फिक्सिंग टू द प्लांट्स। ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, फिक्सिंग हम लास्ट में देखने वाले हैं क्या चीज़ें होता है उसको भी डिटेल में। सो द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ क्रॉप बाई द प्लोइंग लेवलिंग मैन्योरिंग। अगर हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले उसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्लोइंग करना पड़ता है, देन उसको लेवलिंग, आफ्टर दैट मैन्योरिंग करते हैं, तब जाके हमारा सॉइल प्रिपेयर होता है किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। सो फर्स्ट वन इज योर प्लोइंग। सी द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड एज अ प्लोइंग। मान लो जो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग। देखो मान लो जो सॉइल होता है उसको सॉइल को क्या करना है, लूज करना या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टर्न करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लोइंग। प्लोइंग ऑफ अ फील्ड इज डन बाई यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लो। दूसरे भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं जैसे हो एंड कल्टिवेटर, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज योर इसमें प्लोइंग में प्लो आपका, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्लोइंग कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है प्लो। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये बहुत ही मान लो पुराने समय से ही हम प्लो का यूज़ करते आ रहे हैं, किसके लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, दैट मीन्स टिलिंग के लिए, एडिंग उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए क्रॉप्स को, रिमूव करने के लिए वीड्स। नाउ व्हाट इज वीड्स, न्यू वर्ड इज इट इज़ फॉर यू। तो देखो वीड्स मीन्स इट इज़ अ अननेसेसरी प्लांट्स विच इज ग्रोन विथ आवर मेन प्लांट्स, या फिर जो भी प्लांट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके साथ कुछ अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं वीड्स, एंड टर्निंग द सॉइल। सो दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इट ड्रोन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल्स। ये किससे बना होता है, एक वुड से बना होता है, और किससे चलाया जाता है, मान लो एक पेयर ऑफ उसका बुल्स होता है, सपोज यू डोंट हैव अ बुल्स, देन आप किससे कर सकते हो, दूसरे एनिमल्स जैसे हॉर्सेस कैमल्स से भी ये ऑपरेट किया जाता था, अभी भी कहीं कहीं किया जाता है। सो इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप इज कॉल्ड अ प्लोसेयर। यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रायंगुलर जो आयरन स्ट्रिप होता है उसको हम बोलते हैं प्लोसेयर। अभी आगे पिक्चर में हम देखने वाले क्या होता है। द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्ले सॉफ्ट एंड प्लोसेयर। तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर ऐसा है इसको हम बोलते हैं प्लोसेयर। ये रहा जो आपका देखो यहाँ सॉइल में दिख रहा है। दूसरा ये देखो जो लॉन्ग लॉग मैंने बोला था ये आपका है प्लोसाफ्ट। ये रहा यहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों तरफ से आप देख सकते हो इजीली। और यहाँ पे एक हैंडल होता है इस ये, और इसको हम बोलते हैं बीम। ये जो इस मान लो बुल्स के नेक पे लगा हुआ है इसको बोलते हैं बीम। सो देर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द साफ्ट। इस साफ्ट के एंड वन एंड पे क्या होता है, एक यहाँ पे आपका हैंडल होता है, एंड द अदर है अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। दूसरा जो ये तुम्हारा इसको बोल सकते हैं बीम, ये कहाँ अटैच होता है, इस बीम के साथ। ये जो हमारा दूसरा ये इसको बोलते हैं हैंडल होता है, वो कहाँ पे अटैच होता है, इस बीम के साथ, मान लो इस बुल्स के नेक पे। अब सपोज वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। प्लो को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी एक इंसान, एक काका जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है, हाथ में लकड़ा लिए हुए, कोई भी एक मैन
और कोई एक पेयर बुल्स या फिर वन पेयर ऑफ हॉर्स वन हॉर्स या फिर वन पेयर ऑफ कैमल्स का यूज करके हम प्लोइंग कर सकते हैं. द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लो नाउडेज. देखो अभी जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से, पहले तो हम इसका मान लो ये जो हमारा प्लो होता था वो हम वुड का यूज़ करते, धीरे धीरे ये किसका यूज़ होने लगा, आयरन का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हो. देखते हैं हो के बारे में. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. क्या है, एक सिंपल टूल्स है जैसा तुम्हारा प्लो था, इसका यूज़ हम सॉइल को लूज करने के लिए एंड रिमूविंग फॉर द रिमूविंग ऑफ वीड्स में यूज़ करते हैं. नाउ इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन. इसका क्या होता है, लॉन्ग रोड ऐसा होता है, या तो एक किसका बना होगा, लॉक वुड का या तो आयरन का. नाउ अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड अ बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू ऑन टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क लाइक अ ब्लेड इट इज पुल्ड बाई एनिमल. देखो ये जो आपका होता है ये बेंट प्लेट है, इसको हम एक किसकी तरह काम करता है, ब्लेड की तरह, ठीक है. ये आपका रोड है, ये आपका हैंडल है, हैंडल में ग्रिप लगा हुआ है जिसको पकड़ते हैं, एंड ये आपका बीम है, ये बीम को जैसे हमने देखा था लास्ट पीछे, वैसे ही बुल्स के नेक पे इसको अटैच किया जाता है, इस तरह से ये किया जाता है. जो हमारा थर्ड है इसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर. नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाई अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर का यूज़ अभी हाल के समय में होता है. इससे देखो इसका मेन एडवांटेज क्या है, इट यूज़ द कल्टीवेटर्स, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम्स. लेबर्स को सेव करता, मतलब इंसान की ज़रूरत नहीं, जो मान लो ड्राइवर है उसको बोल दो, जाके अपना काम करके आ जाएगा, टाइम भी बचता है इसके, ये जल्दी से कर देता है. जहाँ आप 4 घंटे काम करते हो वहाँ आप क्या कर सकते हो, 1 आवर में ही कंप्लीट कर सकते हो. सो नाउ द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग इज बेनिफिशियल बिकॉज देखो क्या इसका बेनिफिट होता है सॉइल को लूज करने का. द लूज सॉइल अलाउ द प्लांट रूट टू पेनरेट फ्रीली एंड डीपली इन टू द सॉइल सो दैट द प्लांट आर हेल्ड मोर फेमली टू द ग्राउंड. देखो जब आप सॉइल को क्या करते हो, लूज कर देते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में टर्न कर देते हो, तो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे तक फ्रीली पेनरेट मतलब नीचे तक जा सकते हैं, डीपली अंदर तक जा सकते हैं ग्राउंड में. इसलिए सो द प्लांट हेल्ड द मोर फेमली टू द ग्राउंड. इसलिए जो प्लांट्स होता है वो क्या होता है, अच्छे से यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है. द लूज सॉइल अलाउ द रूट ऑफ प्लांट टू ब्रीथ ईजली. जो लूज सॉइल होगा वो क्या करता है, इसको ईजिली ब्रीथ करने देता है जो भी प्लांट्स होते हैं. अब देखो यहाँ पे कड़क सॉइल होगा तो क्या होगा, उसको ज़्यादा तेज से पकड़ के रखेगा तो ईजिली ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी. तो अगर वो लूज सॉइल है तो क्या होगा, उसमें स्पेस होंगे तो दे कैन ईजिली ब्रीथ. नाउ थर्ड वन इज द लूज सॉइल इज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल हु आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर. देखो जो भी मान लो लूज सॉइल होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थवर्म जो आपको आपने सुना होगा, अर्थवर्म या माइक्रोब्स होते हैं, उनके ये ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म या फिर माइक्रोब्स, उनके ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसकी हेल्प करते हैं. और ये जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स है, इस हमारे जो भी प्लांट्स होते हैं या क्रॉप्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर. नाउ इट इज़ आल्सो अपरूट्स एंड बरीज वीड्स स्टैंडिंग इन द फील्ड एंड इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स. और क्या करता है ये कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इट ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, ये क्या करता है, जो भी मान लो रिच सॉइल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में क्या करता है, ज़्यादा प्रमाण में आते हैं. इसकी वजह से जो होता है वो टॉप तक, प्लांट्स के टॉप तक मान लो ऊपर तक से जो भी हैं वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं और प्लांट्स का प्रॉपर अच्छे से क्या होता है, इसकी वजह से ग्रोथ होता है. सो देखते हैं लेबलिंग क्या होता है. लेबलिंग द प्लॉट सॉइल इज लेबल्ड बाय द प्रेसिंग इट विथ अ वुडन लेबलर सो दैट टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाई वाटर. देखो जो प्लोइंग के बाद हम क्या करते हैं, ऐसा आयरन का एक ऐसा लोग होता है उसको हम ऊपर से चलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी मान लो सॉइल है वो थोड़ा नीचे दब जाती है, ठीक है, एंड फिर उससे जो मान लो अगर आपको विंड आ रहा है, फास्ट विंड है,
हवा तेज है या फिर मान लो आप वाटर वहाँ होकर, तो उसकी वजह से वो सोइल बह के जा नहीं पाता अगर आप लेबलिंग करते हो। तो देखते हैं लेबलिंग का बेनिफिट क्या है, और यू कैन से दैट एडवांटेज ऑफ लेबलिंग, द लेबलिंग ऑफ प्लॉट फील्ड प्रिवेंट द टॉप फर्टाइल सोइल फ्रॉम द बींग कैरिड अवे बाई स्ट्रॉन्ग विंड और वॉश्ड अवे बाई द रेन वाटर। जो अगर आप लेबलिंग कर देते हो फील्ड को, तो ये प्रिवेंट करता है जो ऊपर का फर्टाइल जो सोइल होता है जिसमें प्रोडक्शन अच्छे से होता है, और वो क्या कर सकता है, मान लो अगर हवा तेज रहता है तो वो अगर हवा तेज होगा तो अपने आप क्या होगा, उड़ जाएगा। बट अगर आप लेबलिंग कर दोगे तो वो उड़ेगा नहीं। एंड रेन वाटर अगर बारिश हो जाती है तो क्या होगा, वॉश्ड अवे नहीं होगा, मतलब वहाँ से वो जो मिट्टी होगी वो जा नहीं पाएगी। सो द लेबलिंग ऑफ प्लॉट फील्ड हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग एरीगेशन। लेबलिंग में देखो एक फ़ायदा और होता है, जब आप एरीगेशन करते हो तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस से जो वाटर होता है सबको बराबर बराबर अच्छे से पहुँच जाता है, ऐसा नहीं थोड़ा सा पहुँचा आगे नहीं जा पाया, ठीक है। लेबलिंग का ये भी एक एडवांटेज होता है। नाउ द लेबलिंग ऑफ प्लॉट फील्ड हेल्प इन द प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर। और देखो मान लो जो मॉइस्चर को बना के रखता है, अगर आप लेबलिंग कर देते हो तो नीचे जो नमी रहती है ये वो सॉइल में बना के रखता है, तो एक थर्ड वो एडवांटेज ये भी है। द लेबलिंग ऑफ प्लो सॉइल इज इन द फील्ड इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड लेबलर। जिससे हम इम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं या टूल्स का यूज़ करते हैं लेबलिंग के लिए, उसको बोलते हैं लेबलर। एंड इट इज़ अ हैवी वुडन प्लांक और आयरन प्लांक। देखो ये क्या होता है, एक मान लो ऐसे लकड़े का बड़ा सा क्या होता है, टुकड़ा होता है, या फिर आप बोल सकते हो आयरन का ऐसा टुकड़ा होता है। सो ये था आपका एडवांटेज ऑफ लेबलिंग। नाउ देखते हैं मैनरिंग क्या होता है। मैनरिंग इज एडेड टू द, सबसे पहले मैनरिंग देखो, मान लो काऊ के डंक हो या बफेलो के डंक होते हैं, वो सबसे मैन्योर बनता है, और मैन्योर को जब हम उसमें सॉइल में डालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनरिंग। मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लोइंग। प्लोइंग करने से पहले ही इस मैन्योर को हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। एडिंग ऑफ मैन्योर टू द सॉइल बिफोर प्लोइंग हेल्प टू प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। अगर आप करते हो प्लोइंग के पहले मिक्स, यहाँ पे अगर आप मैन्योरिंग कर देते हो तो वो, अगर आप प्लोइंग करते रहते हो तो वो प्रॉपर क्या होता है, मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ, इसलिए हमें मैन्योरिंग पहले ही करना चाहिए। मैनरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिफोर सीड आर सोन इट। अब ये जो मैनरिंग होती है इस हमें कब का, ये एक मैनरिंग इज डन टू इंक्रीज, देखो मैनरिंग किया क्यों जाता है, इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी सॉइल होता है उसका जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होता है। अगर हम मैनरिंग कर देते हैं तो और अच्छे से फर्टिलिटी मतलब होता है, फर्टाइल होता है। सीड्स को सो करने से पहले ये काम किया जाता है, आपको पता है कि प्लोइंग करने से पहले हम कर देते हैं जिससे प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है। नाउ अब एक चीज़ आता है आपका, आप इसको लर्न करने के लिए याद कर सकते हो, सॉइल इरेजन क्या होता है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड द सॉइल इरेजन। सो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछ सकता है 1 मार्क्स में। तो देख यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सोइंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरी।